प्रदेश के साथ ही सीहोर जिले में भी 16 दिसंबर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का उत्साह के वातावरण में शुभारंभ हुआ। स्थानीय टाउन हॉल परिसर में आयोजित इस समारोह का शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री और बुधनी विधायक शिवराज सिंह चौहान, विदिशा सांसद रमाकांत भार्गव समेत सभी क्षेत्रीय विधायकगण मौजूद रहे। इस अवसर पर मौजूद जनप्रतिनिधियों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सीधा प्रसारण दिखाया गया। इस दौरान शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित अनेक हितग्राहियों और प्रगतिशील किसानों ने अपने अनुभव साझा किए। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए तथा अनेक विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। 2014 में अधिक बनाने का लाभ उठाया ऑलरेडी है। सतत कृषि ड्रोन प्रदर्शन, अलग अलग की गतिविधियां, स्वास्थ्य शिविर, इस यात्रा के दौरान ये सब चीजें होंगी और इसलिए जो विकसित भारत संकल्प हमारी यात्रा है, ये हर एक वंचित व्यक्ति जो योजनाओं से वंचित है उस तक पहुंचेगी और प्रमुख योजनाओं का लाभ मिले, इस बात का प्रयास करें।